हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाई फाई स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लेटेस्ट अपडेट लेकर के आपके समक्ष हाजिर हो चुके हैं आरओ एआरओ 2017 मेंस एग्जाम के संबंध में। हम पूरी पूरी खबर इस वीडियो में आपको देंगे मित्रों। उससे पहले हम चाहेंगे हमारे चैनल पर जो हमारे मित्रगण पहली बार आए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बगल में लगे बेल आइकान के बटन को दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर छोटी बड़ी सूचना जो कि यूपीपीएससी के संबंध में हो, आरओ एआरओ 2017 के संबंध में हो, हम पूरी पूरी जानकारी आपको दे सकें। ठीक है मित्रों, तो बिना समय का नुकसान किए सीधे हम बढ़ देते हैं सूचना की तरफ। आखिरकार क्या सूचना है इसके संबंध में, हम पूरी पूरी खबर लेंगे इस वीडियो में। आप अंत तक इस वीडियो को देखिए, पूरी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ठीक है मित्रों, अब बढ़ते हैं सीधे हम सूचना की तरफ। जी हाँ, देख सकते हैं मित्रों आप, आरओ एआरओ मुख्य परीक्षा का टलना तय। अब पूरी पूरी खबर हम लेते हैं इसके संबंध में। लोक सेवा आयोग की परीक्षा और परिणाम में लेट लतीफी बढ़ती जा रही है। हालत यह है कि आयोग की परीक्षाएं कैलेंडर के मुताबिक हो ही नहीं पा रही हैं। परिणाम में देरी की वजह से कैलेंडर में इस माह प्रस्तावित की गई समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षा 2017 आरओ एआरओ मेंस हो पाना असंभव लग रहा है। ये बड़ी बात है मित्रों। 25 मई को घोषित कैलेंडर में आयोग ने आरओ एआरओ 2017 की मुख्य परीक्षा 25 से 27 नवम्बर तक प्रस्तावित की थी, लेकिन अब तक इसकी परीक्षा का परिणाम ही घोषित नहीं हो सका है। जी हाँ, प्रारंभिक परीक्षा का आपका भी रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। आंसर की आया है वो भी अभी आपका जल्द ही आंसर की आया है। 465 पदों को भरने के लिए प्रारंभिक परीक्षा 8 अप्रैल को, जी हाँ जैसा कि आप लोग जानते हैं, इलाहाबाद प्रयागराज सहित 21 जिलों में बनाए गए थे। 1146 परीक्षा केंद्रों पर आपका एग्जाम हुआ था। 5,33,447 परीक्षार्थियों में से 3,40,121 यानी 63.76% परीक्षार्थी परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए थे। परिणाम में देरी की वैसे तो कई वजहें हैं, लेकिन इसकी प्रमुख वजह आयोग में सदस्यों का ना होना भी है। आयोग में इन दोनों सदस्यों के 8 में से 7 पद रिक्त हैं। जैसे कि हमने आपको पिछले भी वीडियो में इसके बारे में समझ जानकारी दी थी कि जल्द ही आपके सदस्य की नियुक्ति की जाएगी, इसके संबंध में जो है प्रस्ताव भेज दिया गया है। इस वजह से कोई बड़ा फैसला लेना मुश्किल हो रहा है। वैसे इस परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी करने में भी आयोग ने काफ़ी देरी की है। जैसा कि जानते हैं आप लोग मित्रों, 6 अक्टूबर को जारी हुआ था आपका आंसर की। इधर पूरी खबर ले लेते हैं हम लोग। प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी 6 अक्टूबर को जारी की गई थी। इसमें 4 गलत प्रश्न पूछे गए थे, जिसे आयोग ने हटा दिया था। इनमें 2 प्रश्न जीएस और 2 सामान्य हिंदी के थे। परीक्षार्थियों से 15 अक्टूबर तक साक्ष्य सहित आपत्तियां ली गई थी। प्रतियोगियों ने जीएस के 5 सामान्य हिंदी के 3 प्रश्नों पर आपत्तियां की थी। ओएमआर का मूल्यांकन विशेषज्ञ समिति की ओर से आपत्तियों का निस्तारण करने के उपरांत संशोधित उत्तर कुंजी तैयार करने के बाद ही किया जाता है। लोक सेवा आयोग को शासन से लोअर सबॉर्डिनेट के अंतर्गत आने वाले जिन रिक्त पदों का अधियाचन मिला है, उसके लिए कराई जाने वाली नई परीक्षा के बारे में अभी फैसला नहीं हो सका है। लोअर में आने वाले कई पदों को पीसीएस में शामिल किया गया है। जो पद पीसीएस में नहीं जा आ सकते, उसके लिए नई परीक्षा कराने की बात कही गई थी। आयोग ने मई में घोषित कैलेंडर में सहायक कुल सचिव एआर परीक्षा 2018 की तिथि 7 एवं 8 अक्टूबर तय की थी। हालत यह है कि इस भर्ती का विज्ञापन ही 30 अक्टूबर तक अभी जारी नहीं हो पाया है। 30 नवम्बर तक आवेदन लिए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा कब, इसका विज्ञापन में जिक्र ही नहीं किया गया है मित्रों। ये थी पूरी खबर जो आरओ एआरओ मेंस एग्जाम का। तो मित्रों, ये आप मान के चलिए आपका आरओ एआरओ जो मेंस का एग्जाम है, अब शायद ही शायद क्या ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, कि क्योंकि आपका जो है मेंस का एग्जाम नवंबर में नहीं हो पाएगा। जहाँ तक एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि दिसंबर, जी हाँ 15 दिसंबर के बाद हो सकता है उसमें से कोई डेट आ जाए जिसमें आपका मेंस का एग्ज़ाम हो, क्योंकि अभी तो रिजल्ट आना ही बाकी है मित्रों। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि आयोग में सदस्यों का ना होना। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सदस्यों के नाम लगभग तय हैं, शासन को भेज दिया गया है, बस शासन को मंजूरी की उसमें ज़रूरत है मित्रों, और सदस्यों की नियुक्ति एक बार हो जाएगी। शासन को बस केवल उसमें अपने तरफ से जो है मंजूरी देना है। तो ठीक है, अगर इसके संबंध में हमें कोई और सूचना मिलती है तो आप तक हम पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे मित्रों। अगर ये खबर अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।